हेलो दोस्तों, चलिए आज बात करते हैं मोरिंगा के पेड़ की, जिसको सहजन का पेड़ भी कहा जाता है। नॉर्थ साइड में तो ये बहुत लगता है, लेकिन अब इधर हमारी वाली साइड में भी लोग इसके बारे में सुन सुन कर इसका पेड़ अपने घरों के बाहर लगाने लग गए हैं। तो हमने भी आज से 4 साल पहले इसको लगाया था, और उसके बाद उस पेड़ के बीच से ये दूसरा पेड़ तैयार किया है। और कितने ही बीज हमने अपने आस पड़ोस में बांटे, अब हमारी गली में हर एक घर के बाहर ये पेड़ लगा हुआ है। इससे आयुर्वेदिक फायदे बहुत है, मोटापा कम करता है, आपकी बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं आप इसके पत्तों से। देखिए, मैंने भी इसके पत्ते इस प्रकार थैली में बंद करके रखे हुए हैं। मैं तो इसको हर चीज़ में यूज़ करती हूँ, मतलब जैसे दाल फ्राई की उसमें डाल लिया, सूजी का पूड़ा बनाया या बेसन का चीला बनाया उसमें डाल लिया, कोई सूखी सब्जी बनाई तो उसमें डाल लिया। और इसको उबाल के इसका सुबह हम खाली पेट पानी भी पीते हैं। मुझे तो इसका इस्तेमाल करने से बहुत फ़ायदा मिला है। मैं तो पहले वही बात करती हूँ, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो अभी जब अगली बारी इसके बीज सूख जाएंगे तो हम 1 से 2 और पेड़ लगाएंगे अपने घर के बाहर। एक बात और बताऊं, इसकी तो मैंने 1 से 2 बार चटनी भी बनाई है, और देखिए चटनी मेरी इस प्रकार एक दिन में ही पूरी डब्बी लग जाती है। तो आप लोग भी अगर आपके घर के आसपास है पेड़ तो इसकी पत्तियों को लेकर प्याज लहसुन टमाटर अमचूर और थोड़ा सा धनिया डालकर इसकी चटनी बनाएं, आप देखें कि बिल्कुल ही वैसा टेस्ट आएगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।